नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल भरत पंचाल पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज का वीडियो स्पेशली जो अहमदाबाद में अभी जो प्रॉपर्टी सीलिंग की जुम्बेश चल रही है, फायर एनओसी, बीयू परमिशन और डेवलपमेंट परमिशन, ये तीन चीज़ों के ना होने की वजह से जो भी अभी सीलिंग चल रहा है, जो प्रॉपर्टी सीलिंग हो रही है अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, आज का वीडियो उन सभी के लिए है। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और जो भी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अभी जो अहमदाबाद के अंदर एक बवाल मचा हुआ है पूरा, कि किसी ने हाईकोर्ट में PIL दाखिल की थी 2020 में, वो उनका भी ग्राउंड सही है कि जो भी हॉस्पिटल्स है, रेस्टोरेंट्स है या हाई राइज बिल्डिंग है, उसके लिए फायर एनओसी, बीयू परमिशन, ये दोनों होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ मीन्स अभी जो कॉरपोरेशंस के जो भी ऑफिसर्स है, उन्होंने अब तक कुछ ध्यान रखा हुआ नहीं है, इसीलिए ये सिचुएशन खड़ी हुई है, ये एक ही उसका कारण है। तो अभी जो हाईकोर्ट में पिटीशन चल रहा है, उसमें बहुत से ग्राउंड रखे गए हैं और पूरे गुजरात की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस है, म्यूनसिपालिटीज़ है, पंचायत से जो भी मीन्स है, उसमें दो ही चीज़ कॉमन है कि भाई आपके पास व्यू परमिशन है, नहीं है तो सील लगेगा आपकी प्रॉपर्टी को, अगर आपके पास फायर एनओसी है, नहीं है तो सील लगेगा आपकी प्रॉपर्टी को। तो इसको हम विस्तार से देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर किसी के पास व्यू परमिशन है और सिर्फ फायर एनओसी नहीं है, तो ऐसे प्रॉपर्टी होल्डर को कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक बॉन्ड फायर डिपार्टमेंट को देना है, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के फायर डिपार्टमेंट को, कि हम फायर एनओसी की जो भी प्रोसेस है हमने चालू कर दी है, उसकी बकायदा ऑनलाइन एप्लीकेशन QV कॉपी भी आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं, तो आपका सील तुरंत खुल जाएगा। मीन्स ऐसे केसेस बहुत कम है, लेकिन ये हम जब भी डिस्कस करते हैं तो हम सारा कुछ कवर अप करने की कोशिश करते हैं कि ये वीडियो जो भी ऐसे लोग हैं प्रॉपर्टी होल्डर, उनको काम आ सके। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात कि भाई आपने जो अपना प्रॉपर्टी है वो सैंक्शन हुआ है, लेकिन वो सैंक्शन रेसिडेंस हुआ है और आप यूज हो रहा है कॉमर्शियल, तो ऐसे मेजर्स केसेस है अहमदाबाद में, वैसे तो अहमदाबाद नहीं, काफ़ी गुजरात में ऐसे बहुत से केसेस है, तो इसके लिए हम क्या करें? तो इसके लिए जब तक हाई कोर्ट से कुछ गाइडलाइन नहीं आती है कि इसके ऊपर कैसे काम करना है, और ना ही हमारी गुजरात सरकार कुछ इसके ऊपर हाई कोर्ट को कुछ कमिट करना होगा, उनको कुछ कंसेंट देना होगा हाई कोर्ट को कि भाई हम अभी ये प्रॉपर्टी को उस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। मीन्स इतनी सारी प्रॉपर्टी है, अगर सारी प्रॉपर्टी को अगर आप सील लगा सकते हो, तो मीन्स अहमदाबाद कुछ सीलिंग नगर जैसा हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन है। और ये कॉरपोरेशन की वजह से है, ये भी सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए गुजरात गवर्नमेंट को और हाईकोर्ट को। आगे बढ़ते हैं। तो अगर ऐसे चेंज ऑफ यूज़ वाली जो मैटर है, इसके अंदर अभी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। हमारा जो एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन है, उसमें अगर हम उसको फिर से प्लान पास कराने जाते हैं, तो BPSP डिपार्टमेंट में एक क्लॉज है
कि बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन ऐसे डिस्प्यूटेड मामले में रेगुलराइज किए गए हैं, उनकी जो गाइडलाइन में आता है वैसे है, तो उसको ऐसा बोलते हैं कि रेगुलराइज करने के लिए हम जो भी फाइल रखेंगे कि भाई हमारा रेसिडेंस सेंक्शन है और चेंज ऑफ यूज़ हमको कॉमर्शल करना है, तो उसके हिसाब से जो भी कॉरपोरेशन का सर्टिफाइड इंजीनियर है वो आके पहले तो उसकी स्क्रूटिनी करेगा कि भाई स्क्रूटिनी करके हम देख सकते हैं कि भाई उसमें कॉमर्शल बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता है, क्योंकि कॉमर्शल के लिए पार्किंग स्पेस चाहिए और पार्किंग स्पेस आपको नहीं है तो वो तो एडिशन होगा नहीं वो प्रॉपर्टी के अंदर। हाँ, कुछ अगर ग्राउंड फ्लोर आप खाली करके या कुछ भी करके ऐसा कुछ हो सकता है, अगर पार्किंग मैनेज हो सकता है तो वो कंस्ट्रक्शन 101% आप पास करा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग नहीं दे सकते हैं प्रोवाइड, तो ऐसे कंस्ट्रक्शन को हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, उनके लिए दो मौके थे कि भाई 2002 में ग्रुडा एक्ट आया था रेगुलराइज अपनी अनऑथोराइज डेवलपमेंट रेगुलराइज करने का कायदा, उसके अंदर उन्होंने एक चांस गवा दिया। दूसरा 2011 में आया था, वो भी उन्होंने गवा दिया है, तो अब तक वेट कर रहे हैं, तो मीन्स मेरे हिसाब से उनको फेवर मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, उनके लिए अच्छे न्यूज़ ये है कि ये पिटीशन गुजरात हाईकोर्ट में चल रही है, तो गवर्नमेंट ऐसा थिंकिंग कर रही है कि अगर हाईकोर्ट ने इसके बारे में कुछ भी रिलीफ नहीं दिया तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन खड़ी हो सकती है। इसके लिए मेरे हिसाब से ये PIL का जो भी जजमेंट आता है वो जजमेंट के साथ साथ कुछ ऐसा ग्रुडा एक्ट तीसरी बार भी आ जाएगा, बोल सकते हैं आप उसको ग्रुडा 2021, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो मीन्स आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि इसके सिवा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। और अगर हाईकोर्ट के जजमेंट में कुछ फेवरेबल मिलता है कि हमें कुछ टाइम प्रोवाइड किया जाता है या 6 महीना या 12 महीना, तो हम उसको कुछ भी करके मैनेज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं तीसरे मुद्दे पे कि भाई आपकी जो बिल्डिंग है वो रेसिडेंस है, रेसिडेंस पास हुई है और रेसिडेंसी यूज़ है, लेकिन आपके पास BU परमिशन नहीं है, तो आपको BU परमिशन लेने के लिए अप्लाई करना है। हाँ, उसकी कंडीशन है अगर आपका एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन एज पॉसिबल एज जो आपका प्लान पास हुआ है उसके मुताबिक है तो आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने डिले किया है BU परमिशन लेने में, उसमें जो भी आपको दंड हो सकता है तो आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन आपको BU परमिशन मिल सकता है, तो उसके लिए भी आप एक बॉन्ड दे सकते हैं। और सबसे पहले BU परमिशन की फाइल जमा करके एक बॉन्ड में डिक्लेरेशन दे सकते हैं कॉरपोरेशन को कि भाई हमने BU परमिशन की प्रोसेस चालू कर दी है, तो वो आपको सील खोल सकता है, आपका मीन्स खोल के देना पड़ेगा उनको, क्योंकि आप कमिट कर रहे हो। हाँ, अगर हाईकोर्ट के केस की वजह से अभी जो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के म्यूनसिपल कमिश्नर या कोई भी डेप्यूटी एस्टेट ऑफिसर अगर आपको ऐसा बोलता है कि अभी हम सील नहीं खोलेंगे बॉन्ड देने पे, तो भाई अभी आप हाईकोर्ट में केस चल रहा है, हाईकोर्ट ने कुछ आपको डायरेक्शन नहीं दिया है कि आप सील मत खोलो, और एप्लीकेशन फाइल नहीं हुआ था उससे पहले आपने हजारों सील खोले हुए इसी बॉन्ड के ज़रिए, तो इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। तो ऐसे खुल भी सकता है, नहीं भी खुल सकता है, क्योंकि इसके बारे में अभी कोई क्लियर पॉलिसी डिक्लेयर नहीं है। हाँ, हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास भी बहुत लोग पूछने के लिए आते हैं कि भाई ऐसा मामला है, तो इसमें जो भी है केस टू केस सब अलग देखना पड़ता है, वो किसी एक केस में ये रूल सभी के लिए एप्लीकेबल होगा ऐसा हम कभी नहीं सोच सकते। और अगर जजमेंट आ जाता है PIL का तो वेल एंड गुड है, तो सरकार को भी कुछ पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि भाई सिर्फ ऐसे कंस्ट्रक्शन को
कैसे मैनेज किया जाए। दूसरी बात, ये सारी बात हो गई जो अभी प्रॉपर्टी सीलिंग चल रही है अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से। तो एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि गुजरात गवर्नमेंट ने गरुड़ा एक्ट दो बार एप्लीकेबल किया। पहली बार 2002 में, तो मीन्स उसका ना के बराबर लोगों ने यूज़ किया, मीन्स किसी ने यूज़ ही नहीं किया। बहुत से रेयर प्रॉपर्टीज़ है जो 2002 में गरुड़ा एक्ट में रेगुलराइज हुई है। दूसरी बार 2011 में गरुड़ा एक्ट लागू कर दिया गया, तो उसमें बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसकी डेडलाइन थी कि 28/3/2011 से पहले का कंस्ट्रक्शन जो भी था वो क्लियर हो गया। लेकिन जब 2011 में गरुड़ा एक्ट आया तो उसकी प्रोसेस ही 2013 से चालू हुई, क्योंकि 11-12 पूरा दो साल उन्हें एप्लीकेशन लेने की डेट एक्सटेंड करने में बिता दी है। तो जो एप्लीकेशन आई थी उसकी सॉल्यूशन चालू नहीं हुई, मीन्स उसका स्क्रूटिनी चालू नहीं हुआ कि जिसकी वजह से वो कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ जाए। और वो आगे बढ़ता गया 4 साल तक बढ़ा। तो ऐसे में बहुत सारे नए कंस्ट्रक्शन खड़े हो गए थे और अभी 2021 चल रहा है। तो सपोज़ अगर गरुड़ा एक्ट 2021 अभी ला रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये सोचने वाली बात है कि हमारा कंस्ट्रक्शन कौन सी साल का है और कॉरपोरेशन उसमें कौन सी डेडलाइन दे रहा है कि भाई कौन से साल तक का कंस्ट्रक्शन रेगुलराइज करेंगे। दूसरी बात, गुजरात सरकार के महसूल विभाग ने 1991 में एक परिपत्र नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें लिखा था, जिसमें तीन बातें दोहराई गई थी कि भाई जो 1980 का जो नोटिफिकेशन था उसमें कुछ चेंजेस किया था, वो तीन चेंजेस उन्होंने ये 1991 के नोटिफिकेशन में किए थे। कौन सा नोटिफिकेशन है उसका नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको, आप देख लीजिएगा। वो नोटिफिकेशन में तीन बातें लिखी हुई थी कि सबसे पहली बात कि जहाँ पे ऐसी सिचुएशन है कि कुछ भी मीन्स जो उसकी प्रॉपर्टी की ज़मीन है वो एग्रीकल्चरल है और उसको एने किया नहीं है और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन खड़ा कर दिया है, तो ऐसे सिचुएशन में कंस्ट्रक्शन को डिमोलाइज नहीं करना है और उसकी जो भी प्रेजेंटेशन है उसको हम महसूल विभाग में भेजने की है और महसूल विभाग वहाँ से डिसीजन लेके जो भी लागू अथॉरिटी है उसको भेजेगा और उसमें से जो भी उसका दंड होगा जो भी होगा वो नक्की करके उस चीज़ को रेगुलराइज करेंगे। ये पहली बात। दूसरी बात उसमें ये कवर की है कि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो भी कंस्ट्रक्शन है रेसिडेंस पास हुआ है और अगर उसका यूज़ कॉमर्शियल हो रहा है, मीन्स कि हम कॉरपोरेशन की लैंग्वेज में बोलते हैं तो चेंज ऑफ यूज़ है, तो ऐसे कंस्ट्रक्शन की भी फाइल हमको गवर्नमेंट में भेजनी पड़ती थी जो भी प्रेजेंटेशन है पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट करके, और वहाँ से जो भी फाइल में रिपोर्ट करके आता था जो भी लागू अथॉरिटी है उसके पास, तो ऐसे उसमें भी दंड लेंगे, वो भी रेगुलराइज करने का था। उसमें तीसरी बात ऐसी लिखी थी कि जो भी मार्जिनल कंस्ट्रक्शन है वो मार्जिनल कंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी फाइल हमको सरकार में नहीं भेजनी है, उसके जो भी डेलीगेट्स पावर है वो जो भी अथॉरिटी है, जैसे अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है तो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो मेन ऑफिसर है, जो फर्स्ट पर्सन है म्यूनसिपल कमिश्नर, उनको अथॉरिटी है कि भाई ऐसे केसेस में वो जो भी उसकी दंड है वो दंड लेके उसको रेगुलराइज किया जाए। ये तीन बातें उस पर लिखी थी, लेकिन हम आज की तारीख में हम ये श्योर नहीं है कि गवर्नमेंट इसको एप्लीकेबल करेगा कि नहीं करेगा या इसको कहीं कैंसिल कर दिया गया है। गवर्नमेंट की महसूल डिपार्टमेंट की साइट पे ये जो नोटिफिकेशन ये दिख नहीं रहा है
और बहुत सी ऐसी लॉ लॉ की किताबें हैं जिसमें यह नोटिफिकेशन दिख रहा है। तो हम भी अभी श्योर नहीं है, उसके पीछे भी हमारा काम चालू है। जिस दिन हमें पता चल गया उसके दिन यही सीरीज़ का दूसरा एपिसोड बन के हम आपको पूरा दिखाएंगे कि भाई इस तरीके से काम हो सकता है। अगर सही में ये नोटिफिकेशन कैंसल नहीं हुआ है तो मेरे हिसाब से जो भी लागू अथॉरिटीज़ है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उनको ये नोटिफिकेशन है हाईकोर्ट में पेश करना चाहिए, जिसकी वजह से अभी जैसे हमें कुछ तकलीफ़ नहीं है, लेकिन जो लोगों की प्रॉपर्टी सील हुई है, हाँ, उनको ठीक करने के लिए मौका दीजिए, टाइम दीजिए। सीधा सील करेंगे मीन्स उसको टाइम दीजिए, अगर वो नहीं करता है फिर दीजिए ना आप। तो टाइम एक नोटिस दे के आपने 15 दिन में टाइम दे दिया है, ये सही बात नहीं है। क्योंकि कॉरपोरेशन में अब लास्ट 10 साल में देखेंगे ना, तो आपने कम से कम 50,000 मकान को नोटिस दिए, डिमोलाइज करने का ऑर्डर कर दिया है आपकी ऑफिस में, लेकिन आज तक एक भी मकान डिमोलाइज नहीं हुआ है। हाँ, तो ये भी चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कॉरपोरेशन को कि भाई आप उसके लिए मीन्स सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं वो सारी के लिए, क्योंकि आपको उस झंझट में नहीं पड़ना है, वो डिमोलेशन में उसको पड़ना नहीं है। इसलिए हाँ, अभी कोई अर्जी करने वाला खड़ा हो जाता है तो उसके पीछे कॉरपोरेशन तुरंत लग जाता है, क्योंकि उसको जवाब देना है। तो ये क्रॉसिंग मीन्स सही बात नहीं है, ये गलत बात है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी, मैं भी उसके पीछे वर्क कर रहा हूँ, तो इसको मैं बाकायदा दूसरा एपिसोड बन के वीडियो के ज़रिए मेरे चैनल पे पेश करूँगा। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, देखते रहिएगा। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।